हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं वीवो T2 एक्स डिवाइस के अंदर आप स्मार्ट स्प्लिट स्क्रीन यूज कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन यूज कैसे करेंगे। दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन से होता है कि जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, इसके बाद आपको इमरजेंसी में किसी को मैसेज करना हो जाता है या कोई भी एप्लीकेशन को यूज करना पड़ जाता है, तो आपको काफ़ी दिक्कत होता है कि हम जिस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उसको हम कट करके या वहाँ से बैक होके इसके बाद दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन यूज करते हैं तो आपको बैक नहीं होना होगा, ना ही आपको अपने एप्लीकेशन को कट करना होगा। आपको सिर्फ अपने स्क्रीन पे 3 फिंगर स्लिप करना है, 3 उंगुल को अपने स्क्रीन पे स्लिप करना है, जो आपका स्क्रीन है वो डबल हो जाएगा। आधे स्क्रीन में दूसरा एप्लीकेशन चलेगा, आधे स्क्रीन में दूसरा एप्लीकेशन चलेगा, आप 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज कर पाएंगे और एक ही स्क्रीन पे। तो उसको आप कैसे करेंगे, इसी का सेटिंग यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, एक बार हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको अपने स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन को डबल करके आपको दिखाते हैं कि हमारा स्क्रीन जो है वो डबल होता है या नहीं होता है। तो हम यहाँ पे किसी एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे किसी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। आप देख रहे हैं जो हमारा गूगल है यहाँ पे ओपन हो चुका है, जैसे हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 3 फिंगर स्लिप करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फिंगर स्लिप करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारे जो स्क्रीन है यहाँ पे डबल हो चुका है। आधे स्क्रीन में जो हमारा गूगल है यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे एप्लीकेशन है ये आ जाते हैं। यहाँ से आपको दूसरे एप्लीकेशन को अगर यूज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं जो हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ओपन कर दिए। अगर हमको फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ देखना है तो हम यहाँ पे आधे स्क्रीन में फ्लिपकार्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से आप कट करते हैं। आपको यहाँ से कट करने के लिए आपको कोई और बटन नहीं दबाना है, सिंपल आपको अपने उंगल को ऐसे नीचे लाना है, इसके बाद ये हट जाएगा आपके स्क्रीन से। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में इसको यूज करेंगे। तो चलिए, इसको सेटिंग को कैसे इनेबल करना है, अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। तो आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करेंगे, सेटिंग में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आपको मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। योलो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट स्प्लिट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। योलो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटर स्प्लिट स्क्रीन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन में एक डेमो दिखाई दे रहा है किस तरह से आपको अपने स्क्रीन पे अपने 3 फिंगर को स्लिप करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ अपने उंगल को स्लिप करना है, इसके बाद जो आपका स्क्रीन है वो डबल हो जाएगा। वहाँ पर आधे स्क्रीन में आपके जो एप्लीकेशन है शो हो जाएंगे, और आधे स्क्रीन में जो आपका एप्लीकेशन है यूज हो रहा वो वहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आपको मिल जाता साइड अप विथ 3 फिंगर 2 स्प्लिट स्क्रीन, और उसके आगे छोटा सा बटन है, आपको उसको इनेबल कर लेना है। ये वाले बटन को आपको इसको इनेबल करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको मिल जाता है मैसेज स्प्लिट स्क्रीन, तो आपको इसको भी इनेबल कर लेना है। और जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, नीचे आप देख रहे हैं 4 एप्लीकेशन है, इनके भी बटन है, आपको इनको भी इनेबल कर देना है। सभी एप्लीकेशन को इनेबल कर देना है, क्योंकि जब तक आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तब तक आपके जो एप्लीकेशन है उस पर अगर आप 3 फिंगर स्लिप करेंगे तो उस पर काम नहीं करेगा। यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन शो होंगे उनके एप्लीकेशन के यहाँ पे बटन है, उसका इनेबल करना होगा। इसके बाद ही आप उस एप्लीकेशन में आप स्मार्ट स्प्लिट को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इनको इनेबल कर लेना है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने स्क्रीन पे आना है। और इसके बाद जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, इसके बाद आपको इमरजेंसी में मैसेज करना है, तो आपको अपने 3 फिंगर को स्लिप करना है, अपने 3 उंगुल को अपने स्क्रीन पे नीचे से ऊपर की तरफ स्लिप करना है। इसके बाद जो आपका स्क्रीन है वो डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन यूज करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।